मेरा नाम हमीम अख्तर है और मैंने रिसेंटली जो JKCC 2023 हुआ उसमें मैंने 27th रैंक सिक्योर किया है। और जर्नी ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और सेकेंड इंटरव्यू था, और सेकेंड इंटरव्यू में मुझे सक्सेस मिली है। जी सर, आप एक बात बताएं कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स का ही रोल नहीं होता, ऑलराउंड जो आपका है, नॉलेज है आपका, IQ है, हर चीज़ का समन्वय होना चाहिए, तो कितना मुश्किल रहा और क्या तैयारी इसके लिए आपने की थी? सर जैसे बोला आपने डिफ़िकल्ट तो रहता है, बट वो जो सपोर्ट होता है ना उसकी वजह से वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो सपोर्ट सिस्टम मेरा स्ट्रांग था जिसने मेरे को हेल्प किया, मेरे को बूस्ट किया, मेरे को मोटिवेट किया इस लेवल तक पहुंचने में, क्योंकि जर्नी तो मेरी 1 ईयर की नहीं रही ना, जैसे एग्ज़ाम ही 1 ईयर का होता है। तो मेरी जर्नी लॉकडाउन के बाद शुरू हुई थी, तो अराउंड 3 to 4 ईयर्स लगे मुझे ये कंप्लीट करने में। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, बट फैमिली के मोटिवेशन की वजह से और मेरे सर्विसेज जो मेरी प्रीवियस सर्विस थी उन्होंने भी, मेरा डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स जो थे, मेरे प्रोफेसर्स मेरे कॉलेज के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से ये जर्नी एज सच उतनी डिफ़िकल्ट नहीं रही मेरे लिए। घर वालों का कितना सपोर्ट है आपकी एजुकेशन में? सर सारा पहले तो अल्लाह ताला का, उसके बाद मेरे घर वालों का ही सपोर्ट है, और लास्ट में फिर थोड़ा सा जो हार्डवर्क मेरे पे था उन्होंने, उसने रंग दिखाया। बट घर वालों ने हमेशा जिधर भी मुझे ऐसे लगा कि नहीं हो पाएगा या डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे को मॉरली इनक्रेज किया कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता, हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको और देना पड़ेगा, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, अपना परसिवियरेंस मेंटेन रखो, क्यों नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। किस रैंक पे स्टूड किया आपने और क्या एक्सपेक्टेशंस दिया इस बार आपको? सर जैसे मैंने बताया कि प्रिपेयर तो मैं बड़े देर से कर रही थी, तो एक्सपेक्टेड यही होता है, ये सर्टेनिटी तो रहती नहीं इस एग्ज़ाम में, हमेशा आप कितना भी अच्छा कर लो बट हमेशा ये रहता है कि होएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वही, चलो अल्लाह ताला ने दे दिया, कर्म कर लिया, तो हो गया मेरा, 27th रैंक आया इस बार मेरा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिका अंजुम है, हम हैला के रहने वाले हैं, हम डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं। तो मेरी ननद ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रैंक हासिल किया, हम बहुत खुश है, सारे, पूरी फैमिली बहुत खुश है, पूरे गोल के लोग बहुत खुश है, सारे लोग खुश है, तो हम तो घर वाले हैं तो ऐसी बात है, हम तो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करती थी, बहुत पढ़ती थी ये, तो इसकी मेहनत रंग लाई। सबसे बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में जो मेरी बेटी ने ये नाम किया, रोशन किया, मेरा सर खतर किया। हम ऐसे दूर दराज गांव से आते हैं जहाँ तक अभी का रोड कन्वर्शन इस वक्त तक अभी हुआ है, तो वहाँ से यहाँ तक आने का बड़ा कर रहा है। सबसे पहले यहाँ के और मेरा सपोर्ट जो रहा है इसके लिए, मैंने इसको इतना ही बोला कि जितना हो सकता है, जितना आपकी चॉइस है, आपका एक मन है पढ़ाई करने का, वो पढ़े। उसके बाद में ये भी नौकरी भी कर रही थी एज ए सेवन पर, उनका भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है, सबसे SSP रामन साहब का, DSP साहब का, तमाम अपने डिपार्टमेंट्स का जो भी था उनका भी सपोर्ट रहा है। अच्छा, अपने हमसाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का जो भी है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता वानी है, मेरी बहन है जिन्होंने क्लियर किया है एग्ज़ाम JKAS का, उनका नाम हमीम अख्तर है, उन्होंने 27th रैंक हासिल किया है इस एग्ज़ाम में। मैं हाईली प्राउड फील करती हूँ इस मोमेंट पे कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ये हर एक की बात नहीं होती है कि वो इतना बड़ा गोल अचीव करे। इसका थर्ड अटेम्प्ट था और हम इसको देखते थे सुबह शाम, ये मतलब लगी ही रहती थी, इतना स्ट्रगल इसने किया है, और ये पर्सनली मुझे भी गाइड करती रहती थी कि यू कैन ऑल्सो डू इट, आप भी कर सकती हैं, आप करें इसको। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैंने मतलब मेरा PG भी उसी में हुआ है, और मैं खुद उसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ अभी। तो मेरी बहन बोल रही थी कि आप भी कर सकती हैं, आप इस मतलब आप भी KS दें, आप इसमें अच्छा कर सकती हैं, ऑप्शनल आपका रहेगा। और मेरे पेरेंट्स हमें हर मतलब हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया, हमें कभी भी किसी चीज़ की मतलब कमी नहीं रखी, फाइनेंशली, मॉरली, एथिकली, आप बोलेंगे मेंटली, हर चीज़ से हमें अपने पेरेंट्स से भी सपोर्ट मिला, हमें अपने भाइयों से भी सपोर्ट मिला, हमें अपनी बहनों से, बहन से, और मेरी मम्मा पापा सब, भाभी से, इवन हर कोई था जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, बोलो या आप हमारे ख़ानदान से बोलो, हमारा पूरा ख़ानदान
इस टाइम पे प्राउड फील कर रहा है कि हमारी बहन ने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी हुई बेटी ने मेहनत की, इस मुकाम पर पहुँचे, अल्लाह ताला ने पहुँचाए और घर वालों ने भी सब ने खुशी महसूस की, क्योंकि हमें ये ख्वाब नहीं थे ये हम इस मुकाम पर पहुँचेंगे, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है हमने बेटी ने करके दिखाया और बेटी ने मेहनत की। दूर दराज गांव के हम हैं, हमारे जगह का नाम हैला है, बहुत उधर रोड शोर कुछ नहीं था, अब पहुंचा है तो सब हमसाए जो थे सबों ने सपोर्ट ठीक अच्छी की, तो लड़की ने भी मेहनत की और सब बच्चों के यही है मेरी ख्वाहिश, जितने भी कोई सुनेगा देखेंगे सब यही है कि बच्चों मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, तो माएँ बहनें जो होंगे भाई बहन सब बच्चों की सपोर्ट करो, गलत सोसाइटी में बच्चों को नहीं जाना देना है, तो घर में बैठाओ पढ़ाओ मेहनत करो, तो बाकी सबों का हमारा साथ साथ ही था, सब ने हमारे को साथ ही दिया, तो अल्लाह ताला का साथ था, तो हमारी बेटी ने आज ये मुकाम हासिल किया, तो शुक्र मेरे रब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आज़ाद हुसैन वानी है, मेरी सिस्टर हमीम अख्तर वानी, इनने अभी रिसेंटली जो JKS का रिज़ल्ट आया इसमें 27th रैंक हासिल किया, तो मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक सपना था, मैं खुद पिछले 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, तो मेरा तो चलो नहीं हुआ, अल्लाह का फजल था कि इसने कर दिखाया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं ब्याह कैसे करूँ। वो रिज़ल्ट का वो पिछली बार भी इसने दिया था, इसका 3rd था, पिछली बार भी ये कुछ मार्जिन से रह गई थी, तो वो एक हार्ट ब्रेक होता था, लेकिन इस बार इसने वो कर दिखाया, तो मेरे तो यही रहेगा अल्लाह इसको और तरक्की करे, और इसकी जो भी जिस महकमे में भी जाए इसकी मेहनत इसके जिसने स्ट्रगल किया है वो इसको और आला से आला मुकाम अता करें।